हाय फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूँ सोलर पंप से कितना एम्पियर कितना वोल्ट जनरेट करता है और सोलर पंप को रन में उपयोग करता है। इस एलमीटर में दिखाएंगे कितना एम्पियर कितना वोल्ट आ रहा है, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, यह है दो ठो सोलर पैनल 250 वाट का, ये 24 वोल्ट में है। उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव देखिए, वहाँ निकल के आया है। मैं अभी दिखाऊंगा इसको सीरीज कनेक्शन करके। ये देखिए, एक पैनल का नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दूसरे पैनल का नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उसको हम अब सीरीज में कनेक्शन करेंगे। देखिए, एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव, ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद दोनों बचा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उसको हम दिखाएंगे मल्टीमीटर से चाहेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, उसका मल्टीमीटर है, इसको हम ऑन करेंगे, ऑफ पे है। पहले हम उसका वोल्ट सेट करेंगे। देखिए, डीसी 200 वोल्ट पे रखेंगे। ये देखिए, मल्टीमीटर ऑफ पे है, उसको हम ऑन करेंगे 200 पे। पहले हम कॉमन में ब्लैक को लगाएंगे, देखिए हो गया। उसके बाद रेड को हम राइट साइड में लगाएंगे। उसके बाद हम वोल्टेज को 200 पे सेट करेंगे, देखिए हो गया। इसको हम नीचे रखेंगे। उसके बाद ये उसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, तो हम इस तरफ से हम इसको डालेंगे। अब देखिए मल्टीमीटर को 76 वोल्ट आ रहा है, 76.7 इसे दिखा रहा है। अभी ठंड का मौसम है, इसलिए थोड़ा कम है, नहीं तो 80 वोल्ट दिखाता। देखिए, ब्लैक वाला फिर कमान में रखेंगे। उसके बाद एम्पियर सेट करने के लिए लेफ्ट साइड में रेड को लगाएंगे। ये एम्पियर पे सेट हो गया, इसको हम 10 एम्पियर पे रखेंगे, हो गया। नीचे रखेंगे, देखिए ये रेड को रेड पे, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, देखिए 3.88 एम्पियर आ रहा है, मतलब लगभग 4 एम्पियर दिखा रहा है ठंड के मौसम के लिए, नहीं तो ये 8 एम्पियर 9 एम्पियर आता है। इसी से हम सोलर पंप चलाएंगे। रहा रहा रहा, नुआ में कर दिया।